वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। किधर गया जग्गू? आजा चला, किधर जाता है ये जग्गू? वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। ये क्या खा रहा है? ओए सॉरी, खाना नहीं ना मिला सुबह जग्गू को। फिर जग्गू उल्टी सीधी चीजें खाने बैठ जाता है। भाई जग्गू को भी हम लोग देते हैं एप्पल। और जग्गू बदमाशरी, ये अपनी शर्ट किधर से फाड़ ली यार जग्गू ने सुबह। भाई मैं जग्गू कमरे में आया, आगे देखा जग्गू ने अपनी शर्ट फाड़ ली है। ये देखो सारी बाजू से ना काफी ज्यादा पुराना हो गया था तो जग्गू ने ना फाड़ दिया इसे। हैं जग्गू, ये क्यों ऐसे ऐसे क्यों किया जग्गू ने? अब हमें शर्म आ रही है। भाई जग्गू को जो सूट पसंद ना आए इसका मतलब ये फाड़ देता है। हैं जग्गू, ओए। तो भाई इस तरह हम लोग करेंगे कि जग्गू के लिए कोई शॉपिंग भी करते हैं, इसके कपड़े लेते हैं। शादी के कपड़े नहीं, वैसे रैंडमली घर में पहनने के लिए जग्गू के लिए कपड़े, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं 3300 और हमने 20,000 करना है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है जग्गू, यार ये निकाल दे, गले में चला जाएगा तेरे जग्गू। अच्छा बात सुन प्यारा बच्चा। हाँ जी शाबाश जग्गू, अच्छा बच्चा बात मानता है। तो भाई जग्गू जो है अपनी इधर मस्तियां कर रहा है। इस तरह करते हैं कि जग्गू के लिए एक सेब ले आएंगे थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले हम लोग राजू को डाइट दे देते हैं, क्योंकि राजू ना काफी ज्यादा बोर है। और भाई आज मौसम भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन यह कि धूप निकलती है थोड़ी देर तक, पता नहीं क्या हो जा रहा है। बार बार कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो कुछ अजीब ही सिस्टम हो रहा है। तो खैर फटाफट से चलते हैं राजू को, उसको दे देते हैं डाइट। जग्गू आजा उपड़ा। जग्गू आज तो ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कर लेगा ना? भाई जग्गू ने अपने सूट की क्या हालत की हुई है, ठीक है ना? ओए होए 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 जग्गू, ये क्या किया है भाई? जग्गू को ना काफी अरसा हो गया ये सूट पहने हुए, मतलब लाइक जग्गू के पास ये सूट पिछले 4 महीने से है। तो भाई हमें ये सूट चेंज करना होगा, क्योंकि वो जग्गू को पसंद भी नहीं है, जग्गू ने फाड़ भी दिया है। चल जग्गू तेरे लिए ना हम लोग शॉपिंग कर लाएंगे जल्दी, और जग्गू को साथ लेके जाए या नहीं, तो चलते हैं यार राजू के पास। हाँ भाई राजू, ओए होए 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 होए, उदास हो गया था मेरा बच्चा मेरे लिए। ये मेरी स्पाटरो नाराज हुई है, देख रहे हो मेरे पास नहीं आ रहा। क्या हुआ था राजू को? भाई राजू काफी ज्यादा गंदा भी हो गया, क्योंकि भाई नीचे थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था कलोनी के अंदर। भाई राजू जब वॉशरूम करता है उसके ऊपर ना बैठ जाता है, फिर तो फिर थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है। तो भाई इधर से राजू का पेट भी अंदर गया हुआ, भूखियां लगी हुई हैं हमें। भाई अभी राजू के लिए ढेर सारा खाना बना के लेके आते हैं और राजू को दे देते हैं। मेरी स्पाटरो प्यार करा रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा दोस्त बन गया मेरा। और गाइज एक थोड़ी सी बैड न्यूज है भाई, यार मैं बड़ा तंग हूँ भाई। इनकी फाइट जो होती है ना आपस में, इस वजह से भाई आप लोगों को पता है हमारे पास 2 असील के बच्चे थे, चूजे, जो कि हमने खुद पाल के बड़े किए थे भाई। जिनमें से एक ये बच्चा था, वो छोटा था जब हम इसे ले गए थे, अब तो माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। बट ये कि यार इसकी फाइट हुई है एक मुर्गी के साथ और इस बेचारे का ना मुंह फुल रेड हो गया भाई। इस बेचारे का मुंह फुल रेड हो गया, ओए भाई इसने लड़ाई की है। ये वाली जो मुर्गी है इसके साथ फटा किया भाई। वैसे ये लोग ना कट्ठे होते हैं पिछले कोई 2 महीनों से, कोई 2 महीनों में आज तक इन्होंने कोई फाइट नहीं की कट्ठे, बट आज रात को इनकी फाइट होगी आपस में। चलो भी चलो यार, इतना प्यारा बच्चा था भाई, है बिल्कुल एक्टिव, बट ये कि उसका ना मुंह रेड हो गया फुल लड़ाई करने की वजह से। राजू तूने लड़ाई छुड़वा देनी थी यार, फटे फुटे हो रहे हो ना, छुड़वा छुड़वा दिया कर, सुलह करा दिया कर। किस लिए तो बर्ड कॉलोनी में खड़ा था भाई? हमारा जो मोर है उसके कोई किसी के साथ किसी भी किस्म के कोई फटे नहीं। अपनी लाइफ के अंदर हम लोग जो है जीते हैं और हमें किसी के साथ कोई लेनी देनी नहीं, कोई लड़ता है कोई झगड़ता है कोई चीज नहीं, हमने इधर ही बैठे रहना। ओए होए ये कबूतर इधर कैसे आ गया? वापिस चलो वापिस अपनी कॉलोनी के अंदर। भाई ये अंदर तो आ गया, इसको लगता है वापस जाना भूल गया भाई, इधर से वापस जाना है। आ जा पिशकू, उड़ जा पिशकू। ओए भाई ये नहीं पकड़ा जाता यार, ये देखो मैं इधर आऊंगा, ओए खुद ही आ जाएगा। सो गाइस राजू को हम लोगों ने डाइट दे दिया भाई, बड़े मजे की। देखो तो सही क्या क्या मिक्स हुआ है भाई, मजे से मुराद मेरे लिए मजे की नहीं, राजू के लिए मजे की। इसमें ना काफी ज्यादा चीजें हैं, दलिया, चने, तूरी, और पता नहीं क्या क्या डाला है हमने, उसके बाद जाके मजे की डाइट बनती है भाई। इतने भाई देख के तो बड़ी ताकतवर लगती है। बस राजू लाए थे ये हम मंडी से बकरा थे, और बनना अब तूने एक बैल है।
तो भाई काफी ज्यादा टाइट बन गया। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि यार इसमें से ना मुर्गियों को दे देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि गाइस ये ना हो कि ये बच जाए और जाया हो जाए। चलो भी चलो भाई, काली मुर्गी बड़ी खतरनाक है और इसको हमने ना मुर्गे के साथ छोड़ा ताकि हो सकता है कि कोई ना कोई तो अंडा आ ही जाए, लेकिन कोई चक्कर नहीं राजू, थोड़ा सा और बस भाई ये दे देते हैं अपने फैंसियों को। टुक 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 टुक। मुर्गा मेरे से बड़ा डरता है। सारों को डाइट मिल गया, बाकी जितने भी कबूतर शबूतर ये वो होते हैं ना, वो राजू की ट्रे में से आके डाइट खा लेते हैं। क्यों भाई? ओए हमालियन का मालियन, उठ गई हो आप सुबह सुबह? भाई हमालियन का मालियन, आज तो हमालियन को मैं खोलना ही भूल गया, आज तो दोपहर हो गई। आ जा भाई, आ जाओ भाई, जरा सैर सपटे करेगी, अपनी मर्जी से हमालियन जो है जरा घूमती रहेगी, क्योंकि हमालियन को ना एक दफा हमने केस से बाहर तो निकालना, ऐसा तो नहीं है भाई 24 घंटे बच्चों के साथ बांध ही रखो। वो जा रही है हमारी हमालियन सैरों पे। भाई हमालियन के बेबी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, इधर तो आओ। अय्या ओए गाइस, इनकी आईज नहीं अभी तक खुली। ओए देखो टेल कैसे ला रहा है। वापस रख देते हैं भाई, दूसरा बेबी आ जाए इधर। गाइस इनकी आईज अभी तक ओपन नहीं हो रही, देखो भाई आंखें फुल बंद है, फुल बंद। भाई आईज कब खोलोगे यार? भाई हमें एक कमेंट आया था कि भाई 7 डेज की एज में जो है इनकी आईज ओपन हो जाती हैं, बट भाई अभी तक ओपन नहीं हुई। भाई पता नहीं क्या वजह हुई है, अभी तक इनकी आईज नहीं ओपन हुई, पता नहीं कब होंगी यार। क्यों टैनी मैनी, आपकी आईज ओपन है? हाँ इसकी आईज ओपन है, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तो मुझे लगा इसकी भी आईज शायद बांधी है अभी। सो गाइस आज बड़ी एक सरप्राइज वाली चीज आप लोगों के लिए है, बल्कि मेरे लिए भी, मुझे खुद नहीं पता कि भाई क्या चीज़ है। वैसे तो अली ने हमें बोला कि हम लोग आज हैमस्टर लेने जाएंगे, तो फटाफट से मार्केट आ जाना। तो भाई लेकिन उसने बोला था कि बड़ी यूनिक सी हैमस्टर है, तो भाई पता नहीं क्या चीज़ अली ने ढूंढ के रखी भी है, बड़ी अजीबो गरीब सी है, दिखा भी नहीं रहा मुझे, कह रहा है बस मार्केट चलते हैं और उधर जाके मैं तुझे सरप्राइज देता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी सरप्राइज आगे दूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। सर उसके लिए हमारे पास एक केज भी खाली है भाई, ये देखो पानी भी है, तो भाई ये सारी जगह खाली है। तो मैंने ये फैसला किया कि भाई हमारे जो लव बर्ड है ना, उनके नीचे वाला जो केज है ना, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो इस तरह करेंगे कि उनको भी इधर ही रख देंगे, ठीक है, जब तक कोई नया पेड़ नहीं आ जाएगा लव बर्ड का, वो इधर रहा करेंगे। तो बस यार मार्केट निकलते हैं, जाके देखते हैं क्या सरप्राइज वाली चीज़ है। भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए हमारी कॉलोनी के अंदर कोई नई नई चीज़ें नहीं थी आ रही, तो अब हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, जितना आप लोग प्यार दिखा रहे हो, तो हम लोग कुछ नया डेली बेसिस पे, यानी डेली बेसिस पर बाद 2-3 दिन छोड़ के एक दिन लेके आते रहेंगे नई नई चीज़ें। तो चलते हैं मार्केट। भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें निकलने से पहले एक काम करना होगा, अपने बाज अंकल को पानी रख के देना होगा, और कल जो है हम इसके टेबल की सफाई भी कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। भाई इस तरह करके कल हम लोग इसे पार्क लेके जाएंगे, और पीछे से घर वालों को बोलेंगे कि अच्छी से सफाई कर दो। भाई इससे ना इसकी सैर सपट्टे भी हो जाएंगे और इसकी टेबल की सफाई भी हो जाएगी, बट अभी जो काम करना है वो तो पहले करें। इसको हम दे देते हैं पानी। भाई ये पानी वाला बॉल बेस्ट है, ये लो भाई ये लो। प्यास लगी भी वैसे आपको? भाई ये ना बोटी खा लेता हमारे सामने, बट पानी हमारे सामने नहीं पीता। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और भाई इस दफा ना अली बड़ी यूनिक सी चीज ले रहा है, मुझे उसका पता ही नहीं है, ठीक है ना। अली मार्केट मुझे ले गया सरप्राइज देने के लिए, भाई ये चेक कर लिए क्या मैंने चलिए ढूंढा। अली ये क्या है यार? भाई लास्ट टाइम जिस शॉप पे आए थे ना मंकी का बेबी, उसी शॉप वाले को मैं ऑर्डर देके गया था, ह्यूज साइज में हमें हैमस्टर चाहिए। भाई ये पड़े हुए हैमस्टर, और भाई इनको ना नाम हैमस्टर सुन के मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि हमारे पास हैमस्टर थे लास्ट में बड़े छोटे छोटे दूसरे वाले, ये मेल फीमेल ले रहे हैं, हम पेयर ले रहे हैं, और ये हैवी बड़े साइज़ में, भाई ये पैक कर दो, बट डन है हमारे, अली ने पहले ही पसंद करके रख लिया था। भाई भाई ये बड़े तेज है, ये फीमेल है, ये फीमेल है भाई, हाँ ठीक हो गया। बड़े निप्पल हैं, तो भाई एक मेल ले रहे हैं एक फीमेल ले रहे हैं। मेल इसका बड़ा क्यूट है, वाइट ज़्यादा यार, वो मेल तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है ना, मुझे बड़ा पसंद आया है। इसका फेस देखो गाइस कितना ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्यारा है भाई, इसे पैक कर दो।
कुछ भी मतलब छली के दाने हो गए, घास हो गई, मिश्रांगी वगैरह वगैरह चीजें खा लेते हैं, बादाम वगैरह कुछ नहीं। ये नहीं है, हमें 12,000 रुपए के पैसे देंगे, ठीक हो गया। चलो भी अली पकड़ा दे यार, हमारी कलोनी के अंदर एक नई चीज़ आ गई है ना, कुछ यूनिक, ठीक है भाई। ओके चलो यार, इसे लेके चलते हैं घर पे। तो गाइस अभी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, बड़े बड़े थक गए थे, ट्रैफिक आते साथ क्या देखा है? ओए ओ बिशर्मो, शर्म करो शर्म, ये देखो इसे तो शर्म आ गई है भाई, हिमालयन को भी शर्म नहीं आ रही, सारे बड़े बड़े बच्चे दूध पी रहे हैं, हालांकि ये तो हिमालयन के बच्चों को दूध पीना चाहिए, बट ये है कि यार ये बच्चे भी पी लें, भूख लगी होगी भाई, इनकी हेल्थ के लिए भी तो दूध अच्छा है। और भाई इनका तो भूल ही गए जिनको लेके आए हैं यार, इतने स्पेशल इतने प्यार से। तो भाई हाँ जी, कैसे हो भाई? मुझे बड़े क्यूट लगे हैं यार, वाकई वाकई बहुत प्यारे हैं। अभी निकाल के एक एक करके आपको दिखाता हूँ, दुकान पे तो आपको तसल्ली से नजर नहीं आई। चलो अभी चलो आ जाओ भाई। तो भाई हमारे हैमस्टर को हम लोगों ने अपने केज में छोड़ दिया है, बड़े डरे डरे हो भाई, इनमें से मेल पता नहीं कौन है, फीमेल नहीं 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 ये फीमेल थी और ये मेल था। आजो भी आजो, एक पकड़ते हैं फीमेल। अरे मेल भाग गया गाइस, देखो तो सही भाई, कितने क्यूट क्यूट चौने नोने हो यार, इनकी स्किन बहुत मजे की है भाई, बहुत मजा आया इन्हें लेके। इधर देखो, बाइट तो नहीं करोगे आप? मुझे नहीं करते वैसे ना, ये देखो कोई बाइट वाइट डरा चक्कर ही नहीं, ये तो बड़े क्यूट क्यूट है यार, आप मेरे से डर क्यों रहे हो? आजो, ओए ओए हुई हुई भाई, इसे तंग वैसे हम नहीं करेंगे, अगर ये हमारे से डर रहा है तो फिर हम इसे क्यों पकड़ें? तो इस तरह करेंगे, कल पकड़ लेंगे, अभी रिलैक्स होने देते हैं। सो गाइस इधर जो हम अपना लोग करते हैं, एंड लोग अच्छा लगा लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।